आप सभी को सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक झा स्टडी मस्ती पे, और मैं हूँ दीपक झा। और जैसा कि आप जो देख रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लास ट्वेल्थ का है और ये उम्मीद से देख रहे हो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं उसी उम्मीद से ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन वायरल चल रहा है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ रहा है। इसलिए जो भी हम बताने वाले हैं उस क्वेश्चन को आप काफी बारीकी से समझिएगा, उतारने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो क्वेश्चन है ना, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप थंबनेल पढ़े हैं, वो एकदम VVI ही क्वेश्चन होगा। बस आपको समझते हुए, अभी वादा करता हूँ कि अभी कोई क्वेश्चन याद भी हो जाएगा, क्योंकि मैं इस तरह आपको समझाने वाला हूँ। बस याद ना होगा भाई तो रट जरूर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। सबसे पहले हम इधर के पार्ट के अंदर 4 क्वेश्चन है और इधर हमारा 6 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन अभी हम 10 लाए हैं और ये 200 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है, यानी आपका जो क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है, जिसमें आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एनालाइजेसिक, सेकेंड ऑप्शन है एंटीबायोटिक, थर्ड है एंटी पायरेटिक और फोर्थ है ट्रैकविलाइजर, ठीक है, ट्रैकविलाइजर। तो जो एक दवा है, क्योंकि ये सभी जो है दवा है, ठीक है, बुखार को कम करने का काम करता है, तो उसमें मैं आपको बता दूं, ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 3 एंटी पायरेटिक, ये बुखार को कम करने का काम करता है, ठीक है। एंटी पायरेटिक जो दवा है ना, बुखार क्या करता है, कम करने का काम करता है। आई होप कि आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, इसका समझ में आ गया। क्वेश्चन 2 समझिए, निम्न यौगिक में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है, निम्न यौगिक में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्लोरोबेंजीन, सेकेंड है बेंजीन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन और सेकेंड क्या है बेंजीन और थर्ड है फिनॉल, फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ आपका जो ऑप्शन होगा वो है टोलुइन, ठीक है। तो टोलुइन इन द फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, क्या है टोलुइन जो फोर्थ ऑप्शन है, उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यौगिक का नाम बताना है, पूछ रहा है यौगिक कौन सा ऐसा यौगिक है जिस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा आक्रमण होता है, इसमें आपको मैं बता दूं, ये ऑप्शन जो 3 दिख रहा है फिनॉल, ठीक है, ये फिनॉल एक ऐसा यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 फिनॉल। समझ में आ गया, इसमें याद रखिए ये फिनॉल आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 को देखिए, एसिटल है ऑप्शन, आपका क्वेश्चन जो 3 है, क्वेश्चन 3 क्या, देखिए क्वेश्चन 3 है कि एसिटल है, क्वेश्चन 3 क्या है, एसिटल है, जिसका आपको ऑप्शन फर्स्ट मिलेगा कीटोन, सेकंड मिलेगा डाईथर, थर्ड ऑप्शन मिलेगा एल्डिहाइड और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो एसिटल जो होगा, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि ये डाईथर को कहते हैं, यानी एसिटल क्या है, डाईथर एक एसिटल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आपका 3 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है उसको देखिए, क्वेश्चन 4 है कि 1 फेराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी, 1 फेराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा जो होगी क्या होगी, बराबर होगी, मात्रा क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है, बराबर कर रहा है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1 ग्राम समतुल्य, सेकेंड है 1 ग्राम मोल, एंड द थर्ड है विद्युत रासायनिक तुल्यांक और फोर्थ ऑप्शन है आधा ग्राम समतुल्यांक, ठीक है। इसको समझिए, जब 1 फेराडे विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना, तो वो किसके बराबर में होगा, तो 1 ग्राम जो मोल है, हैमिंग मोला जिसको कहेंगे, वो होगा। समझ में आ गया, 1 ग्राम मोला, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें बराबर होता है मात्रा, विद्युत धारा जब भी प्रवाहित कीजिएगा तो उसका मात्रा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, वो होगा 1 ग्राम मोला, ठीक है। उसके देखिए आपका जो क्वेश्चन 5 होगा, वो क्वेश्चन 5 क्या उसको समझिए। क्वेश्चन 5 है कि तापमान में, यहाँ क्वेश्चन 5, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता बढ़ती है या घटती है, ऑप्शन फर्स्ट है बढ़ती है, सेकेंड है घटती है, थर्ड ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है और फोर्थ ऑप्शन है दुगुनी होती है। इसको समझिए, फिर से रिकॉल कर रहा है, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता है वो बढ़ती है या घटती है, अपरिवर्तित रहती है या दुगुनी होती है। तो तापमान में जब वृद्धि के साथ धातु की चालकता जो होगी वो क्या होगी, घटेगी। तापमान की वृद्धि होगा तो धातु की चालकता क्या होती है, घटने लगती है, डाउन होने लगती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 2 होगा, क्या होगा, घटती है। इसको याद कीजिए, घटती है। समझ में आ गया, क्या होती है, घटने लगती है। उसका देखिए क्वेश्चन 6 है, ये किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया
ध्यान समझिए, प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, इसको समझना के समझने की जरूरत है, ठीक है। इसको समझिए कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर जो करता है वो किस पर करेगा, परमाणु भार पर, सेकेंड है समतुल्य भार पर, थर्ड है अनुभार पर, और फोर्थ है सक्रिय भार पर। तो ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो फोर ऑप्शन है यही इसका आंसर होगा, क्योंकि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने पर जो निर्भर करता है वो करता है सक्रिय भार पर निर्भर करता है, किस पर करता है सक्रिय भार पर। समझ में आ गया। तो आपका क्वेश्चन जो सिक्स था वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन सेवन को देखिए, क्वेश्चन सेवन क्या है इसको समझिए, ठीक है। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में क्या है संयुक्त है, वो क्या है, एल है कि सी है कि एम जी है कि सी ओ है, जल्दी इसका आंसर बताइए। अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा, ठीक है। क्या है कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में जो संयुक्त होगा वो है कार्बन सी, क्या है कार्बन सी होगा। समझ में आ गया, कार्बन सी याद रखिएगा, जो कार्बन होगा वो स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में सबसे जो संयुक्त है, अपचयन में जो संयुक्त है वो कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट को देख लेते हैं। क्वेश्चन एट क्या है कि एस्क में उपस्थित अशुद्ध अशुद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, गैंग कहते हैं, स्लैग कहते हैं, अमीन धातु कहते हैं। तो एस्क में जो उपस्थित अशुद्धि है उसको हम क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। ऑप्शन टू याद रखिए, गैंग, मैं फिर से यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ, आपको दिखाई भी देता होगा, गैंग, गैंग को हम क्या कहते हैं, एस्क में उपस्थित अशुद्धि कहते हैं, यानी जब भी एस्क में उपस्थित अशुद्धि होगा वो गैंग कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन को देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, अब इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है डेवोनियर ने, सेकेंड है मेंडलिफ ने, थर्ड है मेंडल ने, और फोर्थ है मोसले ने, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया मोसले ने बनाया था, ऑप्शन फोर याद रखिए, मोसले ने बनाया था, किसने बनाया था, मोसले ने। उसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन टेन, क्वेश्चन टेन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ही मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ और 200-200 बेस्ट क्वेश्चन होता है और इंपॉर्टेंट्स होती है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। क्वेश्चन टेन क्या है कि H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है कितनी, -1 है, -1 है या +1, -2 या +2। तो H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी ना वो -1 होगी, कितना होगी, -1, याद कर लीजिए, ठीक है। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1। आई होप कि आप जरूर समझ गए, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो आपके बीच मैंने इस क्वेश्चन को लाया, जो वायरल क्वेश्चन चल रहा है और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले फटाक से इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। चलिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, क्वेश्चन को जल्दी से आप उतार जरूर लीजिए, ठीक है। आशा है कि आप उतार लिए होंगे और ये भी आशा है कि आप क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। तो याद कर लीजिएगा तभी तो आप क्वेश्चन को बना पाइएगा और एग्जाम में लिख करके अच्छा खासा रिजल्ट ला पाइएगा। अगर 10 क्वेश्चन था, अगर आपके एग्जाम में टकरा गया पूरा फुल्ली ऐसे आशा है, तो फिर आपको 10 नंबर कहीं जाने वाला नहीं। आपको पता है कि 12th का एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए गाइज, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम आप के बीच कमेंट के जरिए हो या व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, वहाँ पे आप भी कमेंट कर सकते हैं या वहाँ पे चैट करके अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।